तो हमारे साथ बंगाल से हमारे संवाददाता सुप्रियो रॉय जुड़ चुके हैं, हम उनके पास चलेंगे। सुप्रियो, लगातार परिवर्तन होबे खेला होबे ये दोनों का ही मुद्दा चला, विकास का मुद्दा कहीं लोगों का खो गया। बावजूद इसके लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं और जिस तरीके का उत्साह देखा जा रहा है ये अपने आप में ही काबिले तारीफ है। जी स्निग्धा, मैं बता दूं, जिस तरह से आपने जो कहा खेला होवे परिवर्तन होवे, ऑब्वियसली हर कोई चाहता है खेला हो रहा है। बंगाल का ये एक रंग है खेला होवे फुटबॉल जैसा होता है, और परिवर्तन चाहता है हर कोई। अब परिवर्तन किस तरह से चाहता है ये तो अब जो चार विधानसभा चार जिलों में जो 30 कॉन्स्टिट्यूएंसी है यहाँ पे चुनाव होंगे, ये अपने मत का अधिकार प्रयोग करके मतदान का प्रयोग करके अपने कैंडिडेट को चुनेंगे। पर ये सही है कि लोग परिवर्तन चाहते हैं, पर परिवर्तन किस क्षेत्र में चाहते हैं ये तो अभी 2 मई को ही पता चल पाएगा। मैं बता दूं, सुबह से लोगों की भीड़ कतार देखी जा रही है विभिन्न बूथों में, 4 जिलों के 30 कॉन्स्टिट्यूएंसी में। महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा है, जिस तरह के कि पिछले बार पहली प्रथम चरण के चुनाव में भी देखने को मिला था, इस बार भी सेम वैसी ही है। इस बार महिलाएं ज्यादा उत्साह के साथ आई है। वजह यह है कि जो नंदीग्राम क्षेत्र है ये हॉट सीट बना हुआ है, ममता या शुभेंदु के लिए करो या मरो की स्थिति बनी है। पश्चिम बंगाल में अगर जो भी जीतता है उसके लिए 50% जीत यहीं से तय हो जाती है, ये मान सकते हैं हम लोग। तो ये समझा जा रहा है ममता बनर्जी जो कि भवानीपुर से पहले अपने प्रत्याशी थी, लेकिन इस बार उन्होंने नंदीगांव से अपना नामांकन दर्ज किया। तो इस बार शुभेंदु के लिए भी एक बीजेपी के लिए भी एक करो या मरो की स्थिति है 50%, जैसे मैंने कहा। तो अभी तक जो स्थिति बनी हुई है छिटपुट हिंसा के अलावा जो रात को घटी थी उसके अलावा, चुनाव के दौरान 1 घंटा बीत चुका है, अभी तक कोई बड़ी घटना सामने है। पर हाँ, नंदीग्राम से जो शुभेंदु अधिकारी है उन्होंने अपना थोड़ी देर पहले ही अपना अपने अपना वोट दिया है। उन्होंने कहा इस मौके पर कहा कि हिंसा ना करें, और उन्होंने कहा कि जिस तरह की राजनीति पहले होती रही है आगे के दिनों में भी नहीं होगी। ममता को उन्होंने आंटी कहा है कि पहली बार उनके मुंह से ममता बनर्जी के लिए आंटी शब्द का उपयोग हुआ है, जिस तरह की राजनीति करती है यह गलत है। और ये बता दें अभी तक जो परसेंटेज आधिकारिक रूप से हमारे पास अभी तक नहीं पहुंच सके हैं किसी कारणों से, पर वो पहुंचते ही मैं आपको स्निग्धा जी कुछ देर में बता दूंगा। पर चुनाव अब तक 1 घंटे बीत चुके हैं, शांतिपूर्ण ढंग से हो रहे हैं। कुछ एक जगहों पे ईवीएम में थोड़ी सी देखने को गड़बड़ी मिली थी, पर उसका भी रिकॉर्ड ऑफिशियली हमारे पास नहीं है, जैसे जैसे हमको बता नहीं पा रहे। अगर थोड़ी मोड़ी ईवीएम मशीन में हुई थी तो वो असेंबल करने के दौरान जो होती है उस तरह की थी, लेकिन वो ठीक कर लिए गए हैं। पर अभी तक स्थिति सामान्य बनी हुई है, हर तरफ पैनी नजर है। नंदीग्राम को पूरे किले में तब्दील कर दिया गया है, जलमार्ग आकाश मार्ग और पूरी तरह से घेर लिया गया है, मतलब सुरक्षा कर्मियों ने। हर तरफ रूट मार्च चल रहा है पुलिस का, जिससे कि किसी भी वोटदाता को अपने मत का प्रयोग करने में दिक्कत ना हो। इवन आसपास के जो होटल गेस्ट हाउस रेस्ट हाउस जहां पे विभिन्न पार्टियों ने आरोप लगाया था कि चुनाव के 12 घंटे पहले 36 घंटे पहले इन आपको खाली कराते, बाहरी जो विधानसभा क्षेत्र के जो लोग नहीं होते इन लोगों को रहने का अधिकार, जिस वजह से उनको भी कल शाम के बाद से हटा दिया गया था। अभी स्थिति बनी हुई है सामान्य, इतना मैं जा दूं। और नंदीग्राम एक हॉट सीट है, हर किसी की नजर नंदीग्राम पे बनी बिल्कुल, है। बिल्कुल जी सुप्रियो, सिर्फ नंदीग्राम की बात नहीं करें, अगर अहम सीटों की बात करें तो पुरुलिया, बांकुड़ा के छात्रा, पश्चिम मेदिनीपुर, खड़गपुर और पूर्व मेदिनीपुर भी अहम सीट बने हुए हैं। इलाके से खड़गपुर भारती घोष, आईपीएस पूर्व आईपीएस भारती घोष भी वहां से है, एक अहम दावेदार माने जाते हैं ममता बनर्जी की, जो बहुत ही करीबी थी, जो पार्टी छोड़कर बीजेपी में ज्वाइन किए हैं, उसके साथ आईपीएस अधिकारी हैं, दूसरे वो भी है टीएमसी से हैं। अब देखना इन दोनों में भी कांटे की टक्कर हो रही है, लेकिन कुछ इलाकों में ऐसे, इन सब इलाकों में जो हेवी वेट प्रत्याशी ऐसे इलाकों में रात के समय बमबाजी की घटना घटी थी, लेकिन वो जस्ट डराने धमकाने के लिए थी, ऐसी कोई किसी की जान माल की नुकसान इस घटना में नहीं हुई थी। लेकिन हाँ बता दूं, दक्षिण 24 परगना को 3 भागों में चुनाव कराया जा रहा है, आज पहले भाग में चुनाव हो रहा है 4 जिलों में। यहाँ पर भी ड्रोन से, मैं बता दूं ये पहला दूसरे चरण में पहला केस है जहाँ पे ड्रोन से सुंदरबन इलाके में सुरक्षा वो पैनी नजर रखी जाएगी पानी के मार्ग में भी जी। और सुप्रियो, सुप्रियो अगर खड़गपुर सीट की बात करें, 2016 में इस सीट से दिलीप घोष ने जीत दर्ज की थी, लेकिन 2019 में लोकसभा चुनाव के बाद जब दिलीप घोष इस सीट से हटकर वो लोकसभा जा चुके थे, फिर उपचुनाव में टीएमसी ने यहाँ कब्जा कर लिया था।
जी ये तो सही है, टीएमसी का कब्जा बना हुआ है अब यही तो। इस बार क्या होता है ये देखने का मुद्दा, सबके लिए चैलेंज का मुद्दा है इस इलाके से। पर जिस तरह के जो लोगों के रुझाव और लोगों से जो जिस तरह जानकारी मिल रही है अनऑफिशियल वे से, अभी कांटे की चक्कर चल रही है, कुछ देर में ये साफ हो पाएगा कि क्या स्थिति बनी हुई है जी। मैं इस समय इलेक्शन ऑफिस में मौजूद हूँ तो ऑफिशियली जो बता पाऊंगा अभी मिलने के बाद, पर जो आपने कहा जिस तरह का रुझान बना है ये अभी बताना मुश्किल हो पा रहा है किस तरह रुझान है, पर लोगों में उत्साह जरूर देखने को मिल रहा है। किस लिए उत्साह है ये तो अब वही समझते हैं जो वोट देदाता है अब, पर उनमें उत्साह भरपूर है महिलाओं में विशेषकर जो देखने को मिल रहा है। जी निकिता जी सुप्रिया आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। तो लगातार पश्चिम बंगाल के लोग अब घरों से बाहर निकल रहे हैं उत्साह के साथ, अब वोटिंग के लिए जा रहे हैं। खासकर युवाओं की बात करें तो इस बार युवाओं में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है वोटिंग के लिए।